आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, अ नाइफ एज डिवाइड्स अ सोनोमीटर वायर इन टू सेगमेंट्स विच डिफर इन लेंथ बाई 2 mm। द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 meter। द टू पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन साउंडेड टुगेदर प्रोड्यूस 1 beat per second। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉलर एंड लार्जर लॉन्गर पार्ट्स इन द वायर इन हर्ट्ज विल बी। ओके, देखिए क्या बोला है कि एक सोनोमीटर वायर जो है, सोनोमीटर का सेटअप कुछ ऐसा होता है। ओके, यहाँ पे एक पुली होती है, ये कुछ ऐसे, जहाँ से एक मास लटका होता है। उस मास को हम लोग बढ़ा घटा करके और इसमें टेंशन की वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें एक नाइफ जिसको ब्रिज भी कहते हैं गाइस, वो इसे बीच में हम लोग रख के और इसकी लेंथ को हम लोग कैसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, 2 पार्ट में इसकी लेंथ को हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। इसको मान लेते हैं L2 और इसको मान लेते हैं L1। ठीक है, 2 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर दिए। बोला है कि इन दोनों के में जो डिफरेंस है वो क्या है गाइस, 2 mm का डिफरेंस है। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, L1 प्लस L2 की जो वैल्यू है, क्योंकि लेंथ जो है वायर की वो 1 meter है, तो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 1। ओके, मैं यहाँ मान लेता हूँ L1 इज ग्रेटर देन L2, मैं ऐसा मानता हूँ, तो L1 माइनस L2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा इस 2 mm, क्योंकि दोनों की लेंथ 2 mm से डिफर करती है, यानी 0.002। ओके, जोड़ देंगे इनको तो यहाँ से हमें L1 की वैल्यू मिल जाएगी, L1 की वैल्यू मिल जाएगी 0.501 meter एंड L2 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से गाइस 0.409 meter। ओके, कैसे आएगी, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये देखिए L2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2L1 इज इक्वल टू 1.002, यानी L1 इज इक्वल टू 0.501, वैल्यू पुट कर दें किसी एक में तो 0.50409 L2 की वैल्यू मिल गई। ठीक है गाइस, बोल रहे क्या कि इनकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो क्या है, 1 beat per second का अंतर है, 1 beat per second हम लोग मिलता है। इसका मतलब क्या कि अगर इसकी वजह से L1 की वजह से फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, L1 की वजह से फ्रीक्वेंसी हमें L1 मिलती है और L2 की वजह से फ्रीक्वेंसी अगर हमें N2 मिलती है तो ज़्यादा कौन सा होगा गाइस। ठीक है, ज़्यादा कौन सा होगा देखते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V/2L, ये होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, इसका मतलब कि N2 इज ग्रेटर देन L1। क्यों, क्योंकि L2 इज लेस देन L1। ठीक है, L2 L1 से कम है इसलिए N2 N1 से ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सिंपली N2 माइनस N1 इज इक्वल टू कितना है गाइस, 1, क्योंकि 1 बीट पर सेकेंड मिलता है और N2 की वैल्यू V/2L2 माइनस N1 की वैल्यू V/2L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, 1। ओके, देखिए यहाँ से हमें V की क्या वैल्यू मिल जाएगी, L2 और L1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, V/2 को बाहर खींच ले अगर, तो 1/L2 की वैल्यू 1/0.409 माइनस 1/0.501 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें V की वैल्यू मिल जाएगी, V इज इक्वल टू 2 × 0.409 × 0.501 डिवाइडेड बाई, यहाँ ऊपर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0.501 माइनस 0.409 यानी 0.002। ओके, यानी ये वैल्यू हमें मिल जाएगी फाइनली कितनी, ये देखिए इसको 1000 बार में तबाह कर देगा, यानी 1000 × 0.409 × 0.501, ये हो गई वेलोसिटी। ठीक है गाइज, वेलोसिटी हमें यहाँ से मिल चुकी है, हमें अब क्या फाइंड करना है, हमें सिर्फ फाइंड करना है यहाँ पे, हमें क्या फाइंड करना है गाइज, स्मॉलर और लार्जर पार्ट की फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। तो देखिए स्मॉलर पार्ट की फ्रीक्वेंसी हमने कितनी मानी है, स्मॉलर पार्ट जो है वो कौन सा है, L1 इज ग्रेटर देन L2 है, यानी L2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, N2 है। तो N2 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, N2 की वैल्यू देखिए, N2 की वैल्यू हमने लिखा है क्या, V/2L2। ठीक है, V की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, 1000 × 0.409 × 0.501 डिवाइडेड बाई 2L2 की वैल्यू कितनी है गाइस, L2 की वैल्यू है 0.409। ओके, तो यहाँ से 409 ने 409 को मार दिया। ओके, ये भी इसको 500 का टाइम्स में मार दिया और यहाँ से ये देखिए ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 5×5 = 0 and 5×5 = 25। ओके, ये वैल्यू मिल जाएगी और 3 digit, ये 2 0 और है यहाँ पे लगा देते हैं, 3 digit बाद डेसिमल है
तो 250.5, यानी जो n2 की वैल्यू है स्मॉलर पार्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 250.5, और ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है। और क्या ये किसके साथ 1 बीट पर सेकंड दे रही है, इसका मतलब n1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 249.5, क्योंकि 1 बीट पर सेकंड हमें मिल रहा है और फ्रीक्वेंसी जो है ये ज़्यादा है, यानी दूसरी वाली इससे 1 हर्ट्ज़ कम होगी, यानी 249.5। अगर यहाँ से निकालना आएगा तो वी बाई 12 करके भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, 249.5 ही आएगा, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।